खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत। पेश है अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में बुधवार को मेन बाजार में सड़कों पर गंदा व बदबूदार पानी भर गया, जिससे दुकानदार को दुकान खोलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और दुकानदार अपनी दुकान को कुछ समय के लिए नहीं खोल पाए। दुकानों के सामने नालियों का गंदा पानी भरने से बाजार में दुकानें काफी देर बाद खुली। दुकान के सामने जमा पानी इतनी बदबू आ रही थी कि लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मेन बाजार के व्यापारी व दुकानदारों का कहना है कि पहले ही व्यापारी व दुकानदार मंदी के दौर में काफी नुकसान उठा चुके हैं और अब सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सफाई कर्मचारी समय पर अपना काम करते और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखते तो शहर का नजारा कुछ और ही होता, लेकिन कर्मचारी अपना काम करके खुश नहीं है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जनता का कहना है कि जहां नेता व पार्षद प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों व खबरों छाए रहते हैं, जनता का यही कहना है कि अगर जो नेता व पार्षद साफ सफाई शहर में नहीं करवाएगा तो आने वाले चुनाव में वह जनता से वोट कैसे पाएगा। वही सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों पड़ा। मेन बाजार में रोड पर दुकानों के सामने सीवर व नालियों का पानी ओवरफ्लो होने के कारण दुकानों के आगे इकट्ठा हो गया, जिससे दुकान में आने वाले ग्राहक नहीं आ पाए, जिसे दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। साफ सफाई को लेकर दुकानदारों व जनता में काफी